हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 13 सितंबर 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो पहला आर्टिकल आया है वो है एचआईवी एड्स एक्ट 2017 के बारे में। कंटेक्स्ट क्या है पहले वो देखते हैं। कंटेक्स्ट ये है कि अभी रिसेंटली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया कि भाई जो भी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस और इसी के साथ ही एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम मतलब एचआईवी एड्स एक्ट 2017 जो बनाया गया है उसको भी एक्टिव फॉर्म है वो लाया जाए, इसको लेके बेसिकली बात यहाँ पे की गई है। तो कंटेक्स्ट तो चलो कोई बात नहीं है, कुछ खास नहीं है, बट हम यहाँ पे देखते हैं कि एचआईवी एड्स एक्ट है क्या, उसमें क्या क्या उसके प्रावधान है। देखो बात करें हमारे देश में तो लगभग 21 लाख के आसपास एचआईवी एड्स से पीड़ित लोग हमारे देश में रह रहे हैं और उनमें लगभग 25 या आप बोल सकते हो कि 25% लोग ऐसे हैं जिनको एंटी रिट्रोवायरल जो ट्रीटमेंट थेरेपी है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। मतलब एड्स से उनको बचाव के लिए थेरेपी वगैरह दी जा रही है ताकि वो अपनी जो आम आजीविका आम जो लाइफ है उसको अच्छे से मतलब व्यतीत कर सके। ये थोड़ा बेसिक कंटेक्स्ट होगा, थोड़ा हमने बैकग्राउंड यहाँ पे देख लिया है। अब हम ये देखें एड्स एक, देखो यूपीएससी एचआईवी और एड्स की फुल फॉर्म पे क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ सकते हैं, थोड़ा ये ध्यान रखना है। एचआईवी की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस और एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके लिए ही गवर्नमेंट ने 2017 में प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट लेके आई थी गवर्नमेंट। अब देखो क्यों लेके आई, क्यों जरूरत थी एचआईवी एड्स एक्ट की। देखो हमारे देश में क्या है कि एचआईवी एड्स से पीड़ित जो भी लोग हैं इनको कहीं ना कहीं थोड़ा इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, इनको सोसाइटी से बायकॉट कर दिया जा रहा था, इसी के साथ ही इनको प्रॉपर ढंग से ट्रीटमेंट वगैरह नहीं मिल रहा था। मतलब इनके साथ सिंपैथी कुछ भी ऐसा नहीं था, इनको एक तरीके से जिस तरीके से हमारी सोसाइटी में दलित या जो शेड्यूल कास्ट के लोगों को अलग रखा जाता था उसी तरीके से भी एचआईवी एड्स के लोगों को सोसाइटी से बाहर अलग किया जाने लग गया था। तो हमारे देश में एचआईवी रिलेटेड जो भी भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन होते हैं उनको रोकने के लिए इसके साथ ही तरह तरह के प्रोग्राम चलाए गए ताकि एचआईवी एड्स के जो भी पेशेंट हैं इनको सपोर्ट है वो दिया जा सके। और इसके साथ ही जो भी कंप्लेन वगैरह होती हैं इनकी उनके ऊपर एड्रेस वगैरह करने के लिए, उनको सोल्यूशन करने के लिए, उनकी सुनवाई करने के लिए कंप्लेंट ग्रीवांस सिस्टम है वो बनाने के लिए बेसिकली एचआईवी एड्स 2017 है वो बनाया गया था ताकि प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। क्योंकि देखो जब कोई भी चीज़ कानून के फॉर्म में होती है तो उसको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी आसान हो जाता है और इसीलिए कानून ने बेसिकली बनाया गया था। अब थोड़े इसकी और फीचर्स हम देखते हैं। इसमें यह प्रावधान किया गया कि भाई स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो एचआईवी पीड़ित जो पेशेंट है उनको आइडेंटिफाई करें और उनको एंटी रिट्रोवायरल जो थेरेपी है वो प्रोवाइड करवाए। इससे के साथ ही उनके साथ कोई भी अगर भेदभाव हो रहा है तो उनको कहीं ना कहीं रोके और जो भी भेदभाव कर रहा है उसको उचित दंड है वो दिया जा सके। और मतलब क्या है कि आगे उनके साथ फ्यूचर में भेदभाव नहीं होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए बेसिकली। जैसे कि उनको पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं वहाँ उनको मतलब उनको कहीं प्रायोरिटी नहीं देना, उनको नुकसान पहुँचाना, उनके कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी को क्षति पहुँचाना, इसके साथ ही उनको हेल्थ सपोर्ट है वो प्रोवाइड करना, उसमें कोई तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई इंश्योरेंस कंपनी उनको इंश्योरेंस या बीमा वगैरह नहीं प्रोवाइड करवाए कि भाई आप तो एचआईवी पीड़ित पेशेंट हो इसलिए आपको देने में कोई फ़ायदा वगैरह नहीं है। और इसी के साथ ही ऑफिस में जॉब वगैरह में कोई इश्यू आ रहा हो कि भाई उनको जॉब नहीं दी जा रही कि आप एचआईवी पेशेंट एचआईवी पीड़ित हो इसीलिए, काफ़ी सारे ऐसे रीजंस होते हैं कि जिनकी वजह से भेदभाव होता है, उन सबको रोकने के लिए बेसिकली एक्ट है वो लाया गया था। इसी के साथ ही इसमें ओम्बड्समैन की भी सुविधा की गई थी ताकि देखो इसके अंदर इंक्वायरी वगैरह की जा सके, अगर कोई भी कंप्लेन वगैरह हो रही है तो उसके अच्छे से रिसर्च वगैरह भी की जा सके कि भाई किस रीजन से एक मामला है वो उठा, प्रॉपर एक तरीके से जो एचआईवी पेशेंट है उनको अच्छे ढंग से ट्रीटमेंट मिले, उनको अच्छी फैसिलिटी मिले, इन सब के लिए बेसिकली इस एक्ट में प्रावधान है वो किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें बताई गई हैं। और इसी के साथ जो ओम्बड्समैन की बात की गई है उस ओम्बड्समैन को ये प्रावधान किया गया है कि भाई वो हर 6 महीने में एक रिपोर्ट तैयार करेगा और वो रिपोर्ट जो रिपोर्ट्स है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाए ताकि गवर्नमेंट उसके लिए उचित एक्शन ले और उचित समाधान प्रोवाइड करवाए एचआईवी पेशेंटों को। तो ये थी बेसिकली इसकी कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस और जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स थे एचआईवी एड्स एक्ट 2017 के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है ई आरोग्या भारती नेटवर्क प्रोजेक्ट के बारे में। कंटेक्स्ट क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और इससी के साथ ही टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड है, उन दोनों ने मिलके ई विद्या भारती एक पोर्टल और इससी के साथ ही ई आरोग्या भारती पोर्टल है, इनका बेसिकली एक प्रोजेक्ट के तौर पर निर्माण है वो करने की बात है वो की है। अब देखो हम इन दोनों ही चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ई विद्या भारती क्या है।
और इसी के साथ हम जानेंगे ई आरोग्य भारती है ये क्या है, ये दोनों नेटवर्क क्या काम करेंगे, किस लिए इनको बनाया गया है। तो देखो इसको थोड़ा हम बैकग्राउंड में जाके डिस्कस है वो करेंगे, तब हमें अच्छे से समझ में आएगा। बेसिकली आपको बता दूं कि ये इंडिया और अफ्रीका के लिए है, तो ये आप जब भी नाम आए तो आप समझ जाना कि इंडिया और अफ्रीका रिलेशन के अंदर आप इस चीज़ को पुट वो कर सकते हो मेंस के आंसर राइटिंग में। ये तो हो गया मेंस का पॉइंट। अब हम देखते हैं पहले थोड़ा बैकग्राउंड। देखो गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोजेक्ट लिया गया था पहले 2007 के टाइम पे, जिसका नाम था, वो भी आपको ध्यान रखते हुए आगे चलना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसका नाम था पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क प्रोजेक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क प्रोजेक्ट था, इसका जो फेज वन था वो चला था 2007 से 17 के बीच में। और इसमें एक्चुअली ये प्रावधान किया गया था कि अफ्रीकन जो भी कंट्रीज हैं जिनके साथ मतलब इंडिया उनके साथ रिलेशन इंप्रूव करेगा, उसके लिए टेली एजुकेशन और टेली मेडिसिन है इनके द्वारा लिंक बनाए जाएंगे, और जो भी इंडिया के मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं ये फिर आप हो सकते हो कि मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं, उनकी हेल्प से अफ्रीका के साथ काम है वो किया जाएगा, और अफ्रीका के जो यूथ हैं उनको भी एक तरीके से स्किल भी दी जाएंगी इस फील्ड में, और उनको ई टेली मेडिसिन के बारे में बताया जाएगा। इसी के साथ ही उनको बहुत से फीचर्स वगैरह यहाँ पे देने, जैसे मेडिकल कंसल्टेंसी है वो प्रोवाइड कर जाएगी अफ्रीका में। इन सब बातों पे फोकस करने के लिए पैन अफ्रीका ई नेटवर्क प्रोजेक्ट है वो चलाया गया था इंडिया के द्वारा अफ्रीका के अंदर। ये तो हमने देख लिया बेसिकली बैकग्राउंड के तौर पे। अब देखो जो ये फेज वन चला था ई पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क प्रोजेक्ट का, इसी तर्ज पे इसमें थोड़ा और अपग्रेड किया गया है, और इसमें टेक्निकल जो इश्यूज थे या कुछ खामियां थी उनको दूर करने के लिए एक नया प्रोजेक्ट अभी गवर्नमेंट लेके आई, वो था ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती। तो ये हम देख लेते हैं, ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती प्रोजेक्ट हैं, ये बेसिकली एक ब्रिज का काम करेंगे नॉलेज और हेल्थ के सेक्टर में इंडिया और अफ्रीका के बीच में। जैसे कि ई विद्या भारती जो पोर्टल है, ई विद्या भारती जो प्रोजेक्ट है, वो तो बेसिकली इंडिया और अफ्रीका के बीच में नॉलेज को एक्सचेंज करने के लिए एक तरीके से पोर्टल बनाया गया है, और जो ई आरोग्य भारती है वो बनाया गया है इंडिया और अफ्रीका के बीच में हेल्थ को लेके। तो ये दोनों ही चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि है क्या, किस किस से रिलेटेड बेसिकली है। मेन मोटो आप ये भी बता सकते हो कि अफ्रीकन कंट्री के साथ इंडिया के रिलेशन इंप्रूव करने के लिए इंडिया की सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगी, वो तो हो गए देखो मेंस के नज़रिए से इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रीलिम्स के नज़रिए से यूपीएससी पूछ सकती है कि कौन सी मिनिस्ट्री वगैरह क्या है, तो हमें इसके बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। यूपीएससी स्टेटमेंट के थ्रू पूछ सकती है कि ई आरोग्य भारती नेटवर्क प्रोजेक्ट है वो इंडिया की आसियान के साथ रिलेशन इंप्रूव करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल वगैरह, तो नहीं भाई कोई टेररिज्म वगैरह का कोई सीन नहीं है यहाँ पे, कोई आसियान का सीन नहीं है, ये बेसिकली अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ नॉलेज और हेल्थ के एरिया में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है उसको बढ़ाने के लिए। इसमें होगा ये कि गवर्नमेंट है वो अफ्रीकन के जो यूथ हैं उनको लगभग हर साल 4,000 यूथ को टेली मेडिसिन के बारे में बताएगी, उनको टेली मेडिसिन प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाएगा, मतलब मेडिकल केयर के ऊपर फोकस करवाया जाएगा। इसके साथ ही उनको नॉलेज के मामले में स्किल्स वगैरह दी जाएंगी, ताकि देखो अफ्रीका वो खुद काफ़ी अभी क्या है, अफ्रीका काफ़ी डेवलपिंग फेज में, मतलब इंडिया से भी बहुत पीछे अफ्रीकन कंट्रीज़ देखा जाए तो लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ में आती हैं कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़, तो उनको एक्चुअली डेवलप करने के लिए बेसिकली इंडिया ये सब कर रहा है, ताकि इंडिया के रिलेशन भी उनके साथ बने रहें और इंडिया उनके साथ अच्छे से काम भी कर सके। तो ये सब प्रोजेक्ट इसीलिए बेसिकली चलाए जा रहे हैं। अभी जो नया प्रोजेक्ट है इसमें क्या होगा, मेडिकल कंसल्टेंसी है वो फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी अफ्रीकन देशों में, इससे के साथ ही डाटा सेंटर बनाए जाएंगे और डिजास्टर रिकवरी सेंटर है वो तैयार किए जाएंगे, ताकि फ्यूचर में कोई भी डिजास्टर हो रहा हो या फिर डाटा को कलेक्ट वगैरह आगे स्टोर करना हो तो वो सारे किया जा सकें। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जितना भी फंड लग रहा है वो सारा ऑफ सारा फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहन करने वाली है, मतलब सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इंडियन गवर्नमेंट है वो देने वाली है, अफ्रीकन गवर्नमेंट इसमें कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। तो ये चीज़ हमें ध्यान वो रखनी है कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं, ई आरोग्य और ई भारती दोनों ही चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ई विद्या भारती तो हो गया एक तरीके से एजुकेशन को लेके अफ्रीका के बीच में लिंक प्रोवाइड करवाने के लिए, और ई आरोग्य हो गया हेल्थ सेक्टर के में ब्रिज वो प्रोवाइड करवाएगा, ताकि काम अच्छे से किया जा सके, एजुकेशन वगैरह है हेल्थ मेडिकल सेक्टर में वो भी दी जा सके। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है बेसिकली अप्सरा यू रिएक्टर के बारे में, तो देख लेते हैं क्या है। यूपीएससी डायरेक्टली पूछ सकती है अप्सरा के बारे में। देखो अप्सरा यू रिएक्टर है वो बेसिकली एक जो पहले इंडिया का सबसे पहला जो रिएक्टर था जिसका नाम था अप्सरा, उसी का अपग्रेडेड वर्जन है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। जो इंडिया का पहला एक तरीके से जो आप बोल सकते हो कि न्यूक्लियर रिएक्टर था जो बनाया गया था 1956 में, उसकी कैपेसिटी थी 1 मेगावाट। यह बेसिकली बनाया था इंडिया और यूनाइटेड किंगडम, इंडिया ने बेसिकली इसमें इंडिया इसको बनाया था, और जो भी इसमें फ्यूल वगैरह था वो सारा बेसिकली
यूके के द्वारा या यूनाइटेड किंगडम ने अरेंज है वो किया था, उसके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू प्रोवाइड है वो क्या गया था। तो इंडिया का जो पहला, आपको ये ध्यान रखना है कि न्यूक्लियर रिएक्टर था वो महाराष्ट्र के थुम्बे में लगाया गया था, जिसका नाम था अप्सरा रिएक्टर। इसी के साथ ही अब उसको अपग्रेड करके उसका नया तरीका, मतलब नया रिएक्टर लगाया गया जिसका नाम है अप्सरा यू रिएक्टर। तो किसने लगाया ये भी हमें ध्यान रखना है, यह लगाया गया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा, रिकमीशन किया गया कहाँ पे, महाराष्ट्र के अंदर थुम्बे नाम की जगह, वहां पे बेसिकली इसको दोबारा में लोकेट या दोबारा इसको लगाया गया है। इससे फायदे क्या होंगे, देखो इसका फायदा एक तो ये होगा कि जो अप्सरा रिएक्टर था ये बेसिकली 100 एक तो मतलब मैक्सिमम इसका जो हिस्सा है वो स्वदेशी है, मतलब इंडिजिनस है। इसके साथ ही इसमें जो टेक्नोलॉजी वगैरह है वो भी इंडिया की यूज की गई है, और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एरिया में काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं, काफ़ी सारा नॉलेज यहाँ पे शेयर किया जाएगा। साइंटिस्ट हैं वो अपने नए जो आइडियाज़ हैं उनकी यहाँ पे हेल्प के थ्रू एक तरीके से नए इनोवेशन को फोकस करेंगी, हाँ भाई हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं। मेडिकल सेक्टर के अंदर हम रिएक्टर्स का कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो सारे बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो हमें ध्यान में रखने हैं कि अप्सरा यू रिएक्टर क्या है, कहाँ पे लगाया गया है, किसके द्वारा। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है उसने बेसिकली महाराष्ट्र में थुम्बे में इसको लगाया है। इंडिया का जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था वो 1956 में अप्सरा के नाम से महाराष्ट्र थुम्बे में ही लगाया गया था। उसके कुछ टाइम बाद इसको डिकमीशन किया गया था, और अभी इसको वापस अपग्रेड वर्जन है टेक्निकल तौर से वो अभी लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है मॉडल इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंफॉर्मेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। कंटेक्स्ट ये है कि नीति आयोग और जो इंटेल कंपनी है वो इसी के साथ ही टाटा इंफॉर्मेशन फॉर फंडामेंटल रिसर्च है TIFR, ये बेसिकली इन तीनों ने मिलके मॉडल इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर है वो बनाने की बात की है बेंगलुरु में। तो ये तो हो गया कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट ध्यान रखना है। नीति आयोग इसमें शामिल है, इंटेल शामिल है, टाटा इंस्टीट्यूट शामिल है। यूपीएससी पूछ लेगी कि ओनली बाय नीति आयोग, तो नहीं भाई, ओनली बाय नीति आयोग का सीन कोई भी यहाँ पे नहीं है। आपको बताऊं कि इसका मेन मेन मकसद क्या है सीधा सीधा, तो इसका मेन मकसद यही है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो भी एप्लीकेशन से है, जो भी उसके यूजेज हैं, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है वो किया जा सके, और एडवांस टेक्नोलॉजी एडवांस रिसर्च पे फोकस है यहाँ पे करने के लिए बेसिकली ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि मॉडल वो तैयार किया जा रहा है। अब देखो नीति आयोग का एक प्लान भी था जिसका नाम है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसी का एक पार्ट भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि मॉडल इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यह जो इनिशिएटिव है यह बेसिकली नीति आयोग का एक नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसी का एक पार्ट है। मतलब ये दोनों इनिशिएटिव हमें अच्छे से समझ में आ गए हैं कि है क्या क्या। मेन मोटो मैंने इसे आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो भी एप्लीकेशन है, जो भी यूजेज हो सकते हैं, उनको और अच्छे ढंग से मतलब अप्लाई करना, और ज़्यादा रिसर्च वगैरह करके उनका यूज है वो बढ़ाने के लिए बेसिकली इसके थ्रू फोकस है वो किया जा रहा है। क्योंकि देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो पहले तो हम एक बार ये समझते हैं कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि मशीन के अंदर का दिमाग है वो अपने आप काम करें, जिस तरीके से देखो रोबोट है वो काम करते हैं अपने आप, तो वो क्या होगा, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एग्जांपल है। जिस तरीके से हम एप्पल के अंदर सीरी का यूज़ करते हैं, हम उसको वॉइस कमांड देते हैं तो फिर वो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक एग्जाम्पल है। मतलब मशीन के अंदर हम दिमाग की, इंसानी दिमाग है उसके तरह की एक्टिविटी पुट कर देते हैं एक तरीके से कि वो अपने आप थोड़े बहुत डिसीजन लेने लग जाए, अपने आप जो भी गाइडलाइंस वगैरह उनको फॉलो, तो वो हो गया एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन के अंदर इंसानी दिमाग की तरह काम करने की कैपेसिटी होती है बेसिकली, उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखो बात ऐसी है कि ये जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है ICTAI, इसमें बेसिकली प्राइवेट सेक्टर को भी इन्फॉर्म, मतलब एक तरीके से पुट किया है, प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें स्टार्ट है वो मौका दिया गया है कि वो भी आके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरिया में अपना स्कोप है उसको क्लियर करें, और इस वाले एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी रिसर्च है वो करें। तो ये चीज़ हमें ध्यान है वो रखनी है। और इसका जो देखो ये इनिशिएटिव है, इसका बेसिकली मोटो वो तीन सेक्टर में रहेगा। कौन कौन से तीन सेक्टर हैं वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गवर्नमेंट चाहती है कि हेल्थ, एग्रीकल्चर और जो स्मार्ट मोबिलिटी, स्मार्ट मोबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि परिवहन का हो गया एक तरीके से, आप बोल सकते हो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड आ गए, मेट्रो रेल वगैरह सब, मतलब मोबिलिटी का मतलब मूव करना एक जगह से दूसरी जगह, गतिशीलता हो गया मोबिलिटी। तो तीन एरियाज में हेल्थ सेक्टर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कैसे हो सकता है,
एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे यूज हो सकता है, इसी के साथ ही स्मार्ट मोबिलिटी में कैसे यूज हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और कैसे में यूज करना है, इसके लिए बेसिकली ये इनिशिएटिव है वो स्टार्ट किया गया है। इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, डाटा स्टोरेज भी तैयार करेगी और प्राइवेसी को भी फोकस करेगी, इसी के साथ ही सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखा जाएगा। फिर देखो एक छोटा सा आंकड़ा दिया गया है जिसको आप कहीं यूज कर सकते हो, कि हमारे देश के अंदर वर्ल्ड बैंक ने भी ये कहा था, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड की रिपोर्ट है बेसिकली, कि इंडिया के अंदर लगभग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से 69% जॉब लॉस है वो हुआ है। और बात करें चाइना के अंदर, तो चाइना के अंदर एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से 77% जॉब लॉस है वो हुआ है। ये एक्चुअली वर्ल्ड बैंक का एक डाटा है वो दिया गया है। बट देखो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो जॉब लॉस हुआ है उसके अलावा नई तरह की जॉब क्रिएट भी हो रही हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रिएट करने के लिए भी इंसान की ज़रूरत होती है। मतलब एक मशीन के अंदर एक दिमाग फिट करना, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं वो काम इंसान के द्वारा किया जाएगा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नई तरीके की जॉब है वो भी क्रिएट हो रही है। एक साइड जॉब खत्म होने चलो मान लिया, बट दूसरी साइड नई तरह की जॉब भी तो क्रिएट हो रही है ना, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा थोड़ी कि हर कोई बन जाएगी, उसके अंदर भी तो हमें नए नए टाइम टू टाइम अपग्रेड करने होते हैं, काफ़ी सारा उसमें अमेंडमेंट होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए जॉब क्रिएशन है वो तो लगातार बना ही रहेगा। तो ये बेसिकली आर्टिकल के अलावा पॉइंट्स था जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में, तो देख लेते हैं क्या है। देखो कंटेक्स्ट क्या है पहले तो वो बाद में देखेंगे, हम पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। हमारे देश में 2015 के टाइम पे स्कीम है, ये योजना है वो लॉन्च की गई थी। बेसिकली है एक क्रेडिट गारंटी स्कीम थी। इसका मेन मोटो ये था कि हमारे देश के अंदर जो छोटो स्माल जो बिजनेस लोग करते हैं, जो स्माल बोरोवर हैं, जो लोग छोटी उधारी लेके काम करते हैं बेसिकली, उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करवाने के लिए। क्योंकि हो क्या रहा था कि हमारे देश के अंदर जो छोटे, जैसे कि किसी ने छोटे छोटे अपने घर में कोई लघु उद्योग खोल रखा है, या फिर वो कुटीर उद्योग है, पोल्ट्री फार्म हो गया, फिशिंग वगैरह ऐसा कुछ काम कर रखा है, उसके लिए उन्हें लोन वगैरह नहीं मिलता था आसानी से बैंकों से, काफ़ी मुश्किल होती थी, क्योंकि वो सारी चीज़ें इनफॉर्मल सेक्टर में आ जाती हैं और इनफॉर्मल सेक्टर में रिस्क ज़्यादा होने की वजह से उनको लोन नहीं मिल पा रहा था। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट चाहती थी कि भाई मेक इन इंडिया प्रोग्राम चले, बहुत से प्रोग्राम चले गए थे। अब उसके लिए जरूरत तो ऑब्वियसली यही थी कि लोगों के पास पैसा तो हो, तभी तो जाके कुछ ना कुछ वो बेचारे काम धाम करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं एक तरीके से अपनी इकोनॉमी और ज़्यादा आगे बढ़ेगी। और इसी तर्ज पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाई गई थी ताकि जो छोटे बिजनेसमैन हैं, छोटे जो माइक्रो स्मॉल बिजनेस करने वाले लोग हैं, इनको पैसा दिया जा सके। तो इसमें बेसिकली लोन देने के लिए तीन तरह की बातों पर फोकस किया गया था, मतलब तीन इसकी गाइडलाइंस थी। एक तो थी शिशु, और एक थी किशोर, और एक थी तरुण। शिशु के अंदर ये प्रावधान था कि जो भी लोन लेगा उसको 50,000 तक का लोन दिया जाएगा, मतलब किसी को अगर 50,000 रुपये तक का लोन लेना है वो तो था शिशु के अंदर। किशोर के अंदर का ये प्रावधान था कि भाई जिस भी इंसान को 50,000 से ज़्यादा और 5 लाख तक का लोन चाहिए वो आएगा किशोर कैटेगरी में, और तरुण में वो आएगा जिसको 5 लाख से ज़्यादा और 10 लाख से कम का लोन चाहिए वो आएगा तरुण कैटेगरी में। तो बेसिकली इसमें तीन कैटेगरीज थी, तो ये भी कैटेगरी हमें ध्यान में रखनी है। अब देखो बात ऐसी है कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट हैं वो बेसिकली उनको मॉनिटर करना है, उनको रेगुलेशन करना है, इसके लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने काफ़ी गाइडलाइंस वगैरह भी स्टार्ट हैं वो की थी। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि यह एक क्रेडिट गारंटी स्कीम है, इसमें लोगों को पैसा है वो दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा ताकि वो काम करें। ऐसा नहीं है हर किसी को, वो लोग जो कि अपना कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं, कोई अपना माइक्रो स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर घर में कोई पोल्ट्री फार्म वगैरह लगा रहे हैं, उनको बेसिकली गवर्नमेंट लोन है वो दे रही है। तो अभी जो करंट आंकड़े हैं उनके मुताबिक लगभग ये बात है कि लगभग हमारे देश में 6.5 लाख करोड़ लोग, 6.5 लाख करोड़ जो रुपए हैं वो बेसिकली लोन के फॉर्म में दिया गया है माइक जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसके तहत। और इसी के तहत ही जो मुद्रा बैंक है वो भी बनाए गए थे, तो वो भी हमें ध्यान रखनी है कि मुद्रा बैंक है वो क्यों बनाए गए थे, क्या है मुद्रा बैंक। अब देखो इसके फायदे भी कुछ थे, जैसे एक तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में काफ़ी हेल्प है वो मिलने वाली थी, क्योंकि लोगों को दूर दराज के एरिया में भी लोन है वो यहाँ पे दिया जा रहा था, क्रेडिट डिलीवरी उनको प्रोवाइड है वो की जा रही थी, मतलब लास्ट माइल क्रेडिट डिलीवरी का ऑप्शन यहाँ पे रखा गया था, लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी काफ़ी हेल्प है वो मिल रही थी, डिजिटल इंडिया में काफ़ी फायदा इसको हो रहा था। इसी के साथ ही जो जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हो रही थी उसके अंदर भी काफ़ी फायदा मिला, क्योंकि हमारे देश में क्या हो रहा था कि लोग स्टॉक मार्केट जैसी चीज़ों में इनमें तो पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ रेट तो दिख रही थी कि हाँ भाई इकोनॉमी बढ़ रही है, बट लोगों की जॉब है वो घटती जा रही थी। और इसीलिए छोटे छोटे लोगों को, मतलब छोटे लोगों का मतलब यहाँ पे ये है कि जो रूरल एरिया के अंदर काम करते हैं, जो इनफॉर्मल सेक्टर में जैसे कि किसी ने पोल्ट्री फार्म वगैरह खोल रखा है, उनकी इनकम बढ़ाने के लिए, वहाँ पे जॉब क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट लोन है वो दे रही थी, तो जॉब है वो भी इसे लोगों को मिलेगी।
इसके साथ ही जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जो कि एक तरीके से रजिस्टर्ड नहीं है कहीं भी, उसके बारे में कोई रिस्क ज़्यादा है, उस सेक्टर को फॉर्मल सेक्टर की तरफ भी मूव करने में मुद्रा योजना काफ़ी हेल्पफुल है वो रही है। तो ये तो इसके कुछ पॉजिटिव बातें यहाँ पे आ गई। अब हम देखते हैं कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट ये है कि आरबीआई के जो अभी पूर्व गवर्नर थे रघुराम राजन, उन्होंने ये कहा कि हमारे देश में जो नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाले हैं बैंकिंग सेक्टर में, वो आने वाले हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो भी लोगों को लोन दिया गया है इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है और लोग लोन वो नहीं दे पाएंगे रिटर्न में, और इसीलिए वापस बैंक फाइनेंशियल क्राइसिस में डूब जाएंगी। ये उन्होंने बेसिकली उनका स्टेटमेंट वगैरह आया था, तो उनके द्वारा कुछ बातें कही गई हैं। कुछ खामियां देखो इसमें ये भी हैं कि कुछ लोगों ने मतलब गलत तरीके से लोन है वो ले लिया है और उसका वो मिसयूज़ वगैरह कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका मिसयूज़ किया जा रहा है इस स्कीम का, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी की एक सख्त ज़रूरत है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल जिसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।